गाइज, आप इस व्यक्ति की पीठ पर जो ये बैग देख रहे हो, इसमें कोई गर्लफ्रेंड को देने वाले गिफ्ट या ग्रीटिंग्स नहीं है और ना ही इसमें कोई खाने पीने का सामान है, बल्कि इसमें वो इम्पोर्टेंट चीज है जिसके कारण ये व्यक्ति जिंदा बच पाया था। और गाइज, रशिया में कुछ ऐसे कैफे की ब्रांचेस है जिसमें वहां पर जो कुछ भी मिलता हो, ब्रेड, बटर, आइसक्रीम, केक, पेस्ट्री, जो कुछ भी मिलता हो वो सब फ्री मिलता है, लेकिन आपको एक चीज के पैसे देने होते हैं। रुको जरा, सबर करो। तो हेलो गाइस, दिस इज लक्ष्य रोहिला एंड यू आर वाचिंग अवेकन सोल फैक्ट्स। तो बिना टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट। गाइस, हजारों सर्जरी में से कभी कभी एक सर्जरी डॉक्टर्स के पास ऐसी आ जाती है जिसमें डॉक्टर्स पेशेंट्स की बॉडी में अपना सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भूल जाते हैं और पेशेंट भी अपना बोरिया बिस्तर बंधवा के घर चला जाता है और फिर बाद में जब उनको कुछ फील होता है तब वे वापस डॉक्टर के पास आते हैं, जो कि बाद में दूसरी सर्जरी के द्वारा निकाले जाते हैं। उनको कुछ भी नहीं पता होता कि उनकी बॉडी में औजार पड़े हैं। गैज, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रे टॉमलिंसन है जिसने सबसे पहले खुद को ही एक ईमेल भेजी थी जिसमें उसने लिखा था क्वार्टी यूआईओपी, जो कि कीबोर्ड के ऊपर वाली लाइन के वर्ड्स हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड तक पहुंच जाता है या फिर लाइट की स्पीड से चलने लग जाता है तब उसका मास इंडेफिनेटली बढ़ जाता है। और गैज, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए लाइट की स्पीड तक पहुंच पाना इम्पॉसिबल है। और फ्यूचर में अगर लाइट की स्पीड से ट्रेवल करवाने वाली कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आती भी है तो आपको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जरूर जाना चाहिए, क्योंकि गैज वहां पर टाइम रुक जाएगा और आपको वहां पर काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। गाइज, अक्सर हम किसी भी रेस्टोरेंट या कैफे में जाते हैं तो हमें वहाँ पर खरीदने वाले सामान के ही पैसे देने पड़ते हैं और कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। लेकिन गाइज, क्या आपको पता है रशिया में कुछ ऐसी कैफे की ब्रांचेस है जिनमें वहाँ पर मिलने वाला सामान, चाहे वह कुछ भी हो, वो सब फ्री में मिलता है, लेकिन आप जितनी देर वहाँ रुकते हैं उसके टाइम के हिसाब से वहाँ पर आपको पैसे देने पड़ते हैं। क्या बात करते हैं यार? जिसमें एक मिनट का चार्ज 2 रूबल्स होता है, जबकि ओवरनाइट स्टे का चार्ज लगभग 600 रूबल्स के आसपास होता है। गाइज, एक सर्वे में ये पता चला है कि जब एक पहले बच्चे का जन्म होता है तब दुनिया के 10% मर्द पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसमें वे बच्चे के रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाज से परेशान हो जाते हैं और कुछ तो पहले से ही अपनी मैडम से परेशान रहते हैं जिसके चलते वे डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन गाइज, आपके साथ ऐसा ना हो इसीलिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा। जब भी आपका पहला बच्चा हो तब उस बच्चे को और अपनी बीवी को उसके घर भेज देना और टेंशन फ्री रहना। गाइज, अब बात करते हैं स्टैन लार्किन नामक इस व्यक्ति की, जो कि यूएस स्टेट मिशिगन में पैदा हुआ था। गाइज, इस व्यक्ति ने जो पीठ पर बैग लटका रखा है इसमें कोई घर का खाने पीने का सामान या फिर गर्लफ्रेंड को देने वाले कोई ग्रीटिंग्स नहीं है, बल्कि इसमें आर्टिफिशियल हार्ट है जो कि उसने लगभग 555 दिन तक कैरी किया था, क्योंकि गाइज ये व्यक्ति कार्डियोमायोपैथी जेनेटिक बीमारी से पीड़ित था जिसमें व्यक्ति के हार्ट की मसल्स टाइम के साथ साथ धीरे धीरे ग्रो करने लग जाती है और आने वाले टाइम में हार्ट बीट करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से इस व्यक्ति ने जब तक कोई दूसरा ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए ना तब तक लगभग 555 दिन कैरी करके रखा था। दोस्तों, क्या आपको पता है अगर आप किसी व्यक्ति को 20 सेकंड तक हग करते हैं तो आपका उस व्यक्ति के प्रति ट्रस्ट और प्यार और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और गाइस, गलती से किसी कारणवश आपकी अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो जाती है तो आप बस 20 सेकंड तक हगते रहना। गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर और मिलते हैं अगली वीडियो में।